लकड़गंज पुलिस स्टेशन और निश्चय फाउंडेशन की ओर से गंगा जमुना बस्ती में आने वाले रेड लाइट एरिया में रह रही महिलाओं को बीते कुछ दिनों से दो समय का भोजन मुफ्त में वितरित किया जा रहा है, जिस बारे में निश्चय फाउंडेशन और लकड़गंज पुलिस के कर्मचारी ने अधिक जानकारी साझा की। लॉकडाउन के कारण हर किसी को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, जिसमे निचले तबके के लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गंगा जमुना के रेड लाइट एरिया की महिलाएं भी अछूत रही है। इसी को देखते हुए लकड़गंज पुलिस और निश्चय फाउंडेशन की ओर से इलाके में रहने वाली महिलाओं को दो समय का मुफ्त में भोजन बीते कुछ दिनों से दिया जा रहा है, जिस बारे में लकड़गंज पुलिस ने अधिक जानकारी साझा की। लॉकडाउन की एक भयावह परिस्थिति में सभी प्रतिष्ठान कुछ समय के लिए चालू रखना, कोई प्रतिष्ठान कम्प्लीटली बंद रखना, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी। उसी तरह लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत गंगा जमुना जो वारंगना का व्यवसाय चलता है वो भी बंद करना हमारी जवाबदारी थी। हमने वो बंद किया और जो प्रादुर्भाव था COVID-19 का वो कुछ अंश बंद करने का प्रयास किया। हमारे ये ख्याल में आए कि जब व्यवसाय बंद हुआ तो उनका रोजी रोटी भी बंद हो गई, उनको खाना मिलना मुश्किल हो गया, भूखे रह रहे थे एक दो दिन से। तो हमने मुझे ऐसा विचार आया कि इनको सवेरे शाम खाना दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने निश्चय फाउंडेशन के पदाधिकारियों से बातचीत किया, उन्होंने भी तुरंत हाँ बोला और रात भर में खाने की तैयारी की। यही खाना बनाया जाता है, यही खाना बांटा जाता है, दाल चावल रोटी और सब्जी अलग। इस बारे में लाभार्थी महिला ने भी जानकारी साझा की, जिस दौरान उन्होंने पुलिस और निश्चय फाउंडेशन का धन्यवाद अदा किया। इस संबंध में निश्चय फाउंडेशन के सदस्य ने इस पूरी पहल की जानकारी दी। कुछ दिनों पहले हमें लकड़गंज पुलिस स्टेशन से श्रीमान जी PI साहब पोटे साहब का फोन आया और उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि हमारे एरिया में वारंगनाओं की लॉकडाउन की वजह से बहुत ही हालत दयनीय होती जा रही है। वो दो दिन में एक ही बार खाना खा रहे हैं, तो इस बारे में आप कुछ सहयोग की उन्होंने हमसे आशा की। तो हमने तुरंत ही अपने पदाधिकारियों की मीटिंग बुला के ये निश्चित किया कि जब जिस समय तक इस लॉकडाउन चालू है और उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरतें उनकी पूरी भोजन द्वारा हमारे निश्चय फाउंडेशन की तरफ से लकड़गंज पुलिस स्टेशन के सहयोग से पूरी कराई जाएगी। इसके अलावा निश्चय फाउंडेशन की तरफ से हर किसी को ज़रूरतमंद जो भी ज़रूरतमंद है उसे फ्री दवाई की भी सुविधा दी जा रही है। और इस परिसर के अंदर इनका व्यवसाय बंद होने की वजह से जो इन्हें दिक्कतें आ रही है उसमें जो जो सहयोग इन्हें लग रहा है वो निश्चय फाउंडेशन की तरफ से इन्हें दिया जा रहा है। लकड़गंज पुलिस और निश्चय फाउंडेशन द्वारा की जा रही यह पहल सच में एक सराहनीय कदम है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।